आपसी साइंस टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। तो मैं हाँ तजिंद्रपाल सिंह। जिवें तुसीं जानदे हो कि एक दिन पहला भी मैं एक खबर चलाई सी सिंबल मोड़ तो एक घर दे विच जिहड़ी चोरी दीआं वारदातां बिल्कुल नहीं रुक रहीआं और मीरा साहब पुलिस स्टेशन की जुरिसडिक्शन दे विच एक बार फिर तो हुई स्कूटी चोरी। हुण मैं तुहानूं दस दिआं कि स्कूटी जिन्हां दी सीगी ओह मेरे नाल खड़े ने सरदार अमोलक सिंह, इहनां दे नाल वी असीं गल्लबात करांगे। लेकिन इस तों पहलां तुहानूं दस दईए कि स्कूटी चोरी दी जिहड़ी सीसीटीवी फुटेज वी आ चुकी है ओह वी असीं तुहानूं नाल दे नाल दिखावांगे। और सीसीटीवी फुटेज दे विचों बंदा बिल्कुल साफ आ रिहा, जे किते तुहानूं इहो जिहा बंदा दिखाई देवे तां कृपा करके मीरा साहब पुलिस स्टेशन जां आपसी साइंस टीवी दे नंबर दे उत्ते जां फिर वीर जी दा नंबर असीं तुहानूं दे देवांगे, उस नंबर दे उत्ते फटाफट कॉल करके छेती तों छेती जरूर दसना। मीरा साहब तो अंदर जिस वेले असीं जांदे हाँ मरालियां रोड दे उत्तों स्कूटी चोरी होई है। उस स्कूटी चोरी करन वाले ने बड़े ही चलाकी दे नाल एक विआह सी फंक्शन चल रहा सी उस पैलेस दे अंदर ते उसके बाहर स्कूटी खड़ी सी ते चोरी की। आओ सारी वारदात किस तरह होई किवें होई गलबात करांगे जिन्हां दी स्कूटी चोरी हुई है। वीर अमोलक सिंह जी, सब तो पहला तुहाडा स्वागत है। की सारा मसला होया जो स्कूटी तुसी कह रहे हो कि चोरी हुई, की नंबर सी, की रंग सी, वो भी थोड़ा जा दस दियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहले तो आपसे साइन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आज दा जो स्कूटी चोरी मेरी हुई है कि इस तरह के फंक्शन सी आज। हाँ जी। एक शादी का फंक्शन सी तो असं सारे उधर गए थे, मैं ते मेरा बेटा स्कूटी दे सा। एक्चुअली स्कूटी मैं पहले अंदर पार्किंग च खड़ी की दी थी। ठीक है। ते बेटा किस जगह दी गल कर रहे हो? मीरा साहब, मीरा साहब फॉर्चून पैलेस, फॉर्चून पैलेस मीरा साहब मरालियां रोड, ये कोई 3:30 दे विच। ठीक है। ते जिले असी ये बेटे ने मेरे को चाबी ली कि मैं कुछ समान ले आना बाहरों दुकान तो, ये जस्ट बाहर आया समान लैन, इसने खड़ी की थी स्कूटी उथे, 2 मिनट अंदर गया कि मेरे को पैसे घटन, मैंने पैसे लेना आया, मैं जस्ट इसनू दी जिया ये बाहर गया, बाहरों फिर दौड़दा अंदर आया मेरे को बोल लगा कि पापा उत्थे स्कूटी नहीं है। मैं क्या आगे पीछे लगाई हुई है देख लिया, फिर इतनी देर मैं भी बाहर आ गया, बाहर आके देखिया, इधर आगे देखिया, पीछे देखिया, तो नहीं मिली सानू स्कूटी। फिर उत्थे एक्चुअली एक मेरे फ्रेंड ही खड़े से, उन्होंने कहा कि तुसी ऑफिस कंटैक्ट करो, सीसीटीवी फुटेज देखो, शायद तुहानू उत्थे पता लग जाए, हो सकता है कोई गलती नाल लै गए होए। जां जैसे एक और वाइट स्कूटी खड़ी सी, वाइट कलर की स्कूटी सी मेरी, सिर ते टोपी रखी हुई है, लंबे कद दा लड़का है, तुहानूं नाल दे नाल फोटो भी दिखा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं। तुसीं देखो किन्नी चलाकी दे नाल ए बंदा पहला एक खाली स्कूटी दे को, एक स्कूटी दे कोल होर गया, गेट दे नाल जिहड़ी कोई स्कूटी खड़ी है और तुसीं देख रहे हो कि ये उसदे नेड़े तेड़े जांदा है, फोन कान दे नाल लगाया होया है, लोकी भी आ जा रहे ने, लेकिन लोकां दा ध्यान जिहड़ा है उस बंदे दे वल बिल्कुल नहीं है क्योंकि वह गल कर रहा है किसी दे नाल, या हो सकता है वैसे ही उसने कान दे नाल फोन लगाया होए। स्कूटी ब्लैक कलर की स्कूटी दे कोल पहले गया, शायद उसनू लग्या कि इत्थे उहदा काम नहीं बनेगा, फिर वह घूमदा घूमदा तुसीं देख रहे हो गेट दे अगे घूमया और अगे घूमन तो बाद वह एक बाकी गड्डियां दे विच्चों निकलता होया उस वाइट कलर की स्कूटी जो इन्हों का बेटा या ये दोनों शादी के विच गए सी, उन्होंने जिसले खड़ी की तो उस स्कूटी दे कोल जाके वह बैठा रहा काफ़ी देर तक, उसने वेट किया।
और जैसे ही उसनों मौका मिलिया उस स्कूटी लैके एकदम फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज भी तुम नाल दे नाल देख रहे हो कि एकदम उस सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई दे रहा है साफ कि वह किवें स्कूटी लैके जा रहा। हैरानगी की गल यह है कि क्या उत्थे कोई इन्ना वड्डा फंक्शन सी तां कोई पुलिस का मुलाजम या कुछ ऐसा कोई उत्थे मौजूद नहीं सी? पुलिस सिक्योरिटी वगैरह तो कुछ नहीं, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी सी वो अंदर पार्किंग दे सी। क्या गेट ते उन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं? गेट ते कोई सिक्योरिटी नहीं सी। ये भी एक बड़ा फेलियर है, अगर इन्ना वड्डा पैलेस तुसी चला रहे हो तो उस पैलेस के बाहर तुहानू कम से कम ना एक सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए कि उपरा बंदा जरा कोई आवे तो वह ना ले जाए। खैर पुलिस नूं इतला देती, पुलिस नूं इनफॉर्म कर दिता है ते वो कहते हैं भी ऐसे सर्च कर रहे हैं एप्लीकेशन में दे आया पुलिस स्टेशन ते वो भी कर रहे हैं। देखो अगर किसी को पता चलता है तो तुसे अपने आपसी सांझ टीवी जो देख रहे हैं दर्शक जो थोड़े से उन्होंने तुसी कह सकते हो कि अगर कोई इस तरीके का बंदा थोड़ा ट्रेस होता है तो सानू इनफॉर्म करन भी इनफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल, तो दर्शकों तुम देखे कि नाल ही सीसीटीवी फुटेज फिर तो एक पूरी चला के तुम लास्ट भी दोबारा दिखावांगे। इस बंदे का हुलिया ध्यान दे नाल देख लो, स्कूटी की नंबर भी तुम दिखा दिता है और स्कूटी के नंबर की फोटो भी तुम लगा दी है। इस बंदे ध्यान दे नाल देखो, वाइट कलर की स्कूटी है, इस बंदे ने कैप पाई हुई है और मूँह के उत्ते ब्लैक कलर का मास्क और जो शर्ट है उसकी फुल्लां वाली शर्ट है पाई हुई और लंबे कद का जीन्स पाई हुई। इस लड़के ने आराम दे नाल तुसी देखिया किवें चलाकी दे नाल इस स्कूटी चुरा के लै गया और लगता है कि इस कोई शातर दिमाग और कोई ऐसा जड़ा चोर है जिसका रोज़ का यह काम है, क्योंकि जिनी चलाकी और सफाई दे नाल इसने स्कूटी नूं चोरी किया है। तो उम्मीद करते हैं पुलिस तक भी इतला चली गई है, पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है क्योंकि इस इलाके दे विच चोरी दियां जड़ियां वारदातां जड़ियां ने वो दिनों दिन वधदियां जा रही ने। और उम्मीद करते हैं कि यह स्कूटी जे दर्शक देख रहे होण जां इन्हां दे नेड़े तेड़े स्कूटी या स्कूटी चालक वाला हुलिया किते दिखाई देंदा है ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੀਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਸਾਈਂ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 8808693863। ਇਹ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, 8806639863। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। इस नंबर से कॉन्टैक्ट करो आपसी साइन टीवी के नंबर से या फिर पुलिस स्टेशन मीरा साहब से तुसी जरूर इनफॉर्म करो, क्योंकि ये हादसा जे अज इन्हां दे नाल होया है, इन्हां दे नाल इन्हां दी स्कूटी अगर चोरी हुई है तो कल नूं तुहाडे नाल भी यही हादसा हो सकता है। इस तो पहला कि वह छात्र चोर कोई होर किसी वारदात नूं अंजाम दवे उस गिरोह नूं, बल्कि क्योंकि किसी कल्ले दा काम तो हो नहीं सकता, पर जे हो सके तो उसनों छेती तो छेती सलाखां ते पिछे भजाउण दे विच साडी मदद करो, इन्हां दी मदद करो तां कि इन्हां दी स्कूटी भी मिल सके और वह छात्र बंदा जड़ा है सलाखां ते पिछे भी जा रहे। देखते रहो आपसी साइन टीवी, इस तरह दी होर भी खबरां तुहाडे तक लैके आउंदे रहांगे। तद तक लई दिओ जी इजाजत, धन्नवाद जी।